भी बहुत खास है क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि घर पे अपने बालों को सिल्की शाइन, सीधा, लंबा, घना, मुलायम कैसे बनाया जाए। इससे आपको पार्लर के खिचखिच से बच जाएंगे, ना तो आपका समय बर्बाद होगा। पार्लर जाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, पार्लर में जाके पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, समय भी लगता है हमारा, और अपॉइंटमेंट लेने में तो बहुत ही परेशानी होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज ये क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे लगाना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में, और मैं हूं मोनिका। आज आपके लिए है एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी होम रेमेडी जो आपके बालों को स्ट्रेटनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, बालों को सिल्की करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, बाल बहुत झड़ते हैं उसके लिए भी, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत रफ और झाड़ू जैसे हो गए हैं तब भी ये होम रेमेडी का इस्तेमाल आपने रेगुलरली करना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी ले लेना है, एक गिलास पानी ले लेना है दोस्तों। उसके बाद हमें चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा अगर आप घर पे पीस लेंगे तो बेहतर होगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको घर पे ही पीस लिया है। आप अक्सर पूछते हैं कि चावल का आटा कहाँ से लाएं, तो ये घर के चावल हैं, मतलब जो भी चावल हम घर पे बनाते हैं वही चावल हैं, और उसको मैंने पीस लिया है। आपने नॉर्मल पानी में इस तरह से इसके दो बड़े चम्मच मिला लेने हैं, और आप ध्यान रखें कि इसको पहले घोल लें, क्योंकि अगर इसको पहले आप गैस पे चढ़ा देंगे तो इसमें गुठलियां बन जाती हैं और ये जम जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये ऐसे हो गया है। अब हम गैस ऑन करेंगे, इसको गैस पे चढ़ाएंगे। जब आपने इसको गैस पे चढ़ा दिया है तो साथ साथ में इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये पैंदे में जम जाएगा और एकदम चिपक जाता है। तो इस तरह से साथ साथ में हिलाते रहें। अभी तो बहुत ठंडा है तो इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होता चला जाएगा ये गाढ़ा होता है। अगला इंग्रेडिएंट मिक्स करना है हमने फ्लेक्स सीड्स। फ्लेक्स सीड्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो मैंने ये दो चम्मच फ्लेक्स सीड इसमें डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच भर के कलौंजी। अब इसको हम मध्यम आंच पे गाढ़ा होने देंगे। अब आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म हमने नहीं करना है इसको, इतना गर्म है ये सफिशिएंट है। अब हमने क्या करना है, गैस बंद कर देना है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमने इसको छानना है। छानने के लिए आप थोड़ी मोटी छलनी लेंगे तो बेहतर होगा। ये जो मचा हुआ मटेरियल है इसको आप चाहे तो पीस के बालों में लगा सकते हैं, एटलीस्ट इससे आप अपने जो स्कैल्प को स्क्रब कर सकते हैं, जिससे आपके जो सिर के अंदर जो डैंड्रफ जमा हो जाता है या कोई इस तरह के मतलब बैक्टीरियाज है, कोई मतलब डस्ट पोल्यूशन है, वो सब क्लीन हो जाएगा। तो आप इसको अपने स्कैल्प में एज अ स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इस तरह से ये बन गया है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब आपने इसमें मिक्स करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल कोई भी ले सकते हैं आप, आपके पास घर का बना हुआ है या मार्केट का है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो एक चम्मच मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे तेल। तेल की जगह पे आप विटामिन ई मिक्स कर सकते हैं या कोई भी अपना फेवरेट ऑयल मिक्स करो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो और चलिए अब हम लगाएंगे बालों में। तो पैक रेडी हो गया है।
पूरे बालों में आपने मांग निकाल निकाल के इसको लगा लेना है। अब ये मैंने पूरे बालों में लगा लिया है, सारे कपड़े खराब हो गए हैं आपके सामने, बट कोई बात नहीं, रिजल्ट जब दिखेंगे आपको तब ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे। आपने कम से कम 2 घंटे इसको लगा के रखना है। ये बात मान लीजिए कि पानी भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन बालों को ऐसे ही रख दीजिए, एकदम स्ट्रेट और स्मूथ बाल हो जाएंगे आपके। डेफिनेटली आपको रिजल्ट बेहतर और अच्छे ही मिलेंगे। बस आपने ट्राई हफ्ते में कम से कम 2 बार इसको करना है, इनिशियली जब आप शुरू करते हैं, उसके बाद हफ्ते में 1 बार कीजिए, फिर 15 दिन में 1 बार कीजिए, फिर महीने में 1 बार कीजिए। रिजल्ट दिन ब दिन बहुत अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे। इसके लिए प्रिकॉशंस कुछ खास है नहीं, बस इस चीज का ध्यान रखें कि लगाने से पहले आपके बाल एकदम साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी कोई ऑयल वगैरह लगा हो उस पर, उसके बाद आप लगा रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं दिखेंगे आपको। तो बस उसके बाद आपने 2 घंटे बाद शैम्पू करना है। शैम्पू भी नॉर्मल कीजिए, जिस भी शैम्पू का आप इस्तेमाल करते हैं वही। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? आई होप कि आपको ये होम रेमेडी पसंद भी आई होगी और इजी भी लगी होगी, क्योंकि मैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ही वीडियो बनाती हूँ कि आपको ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े। वीडियो थोड़े छोटे हो रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ऑलरेडी अगर आप कुदरत केयर की प्लेलिस्ट देखेंगे तो बड़े 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 सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो आप स्किन केयर, हेयर केयर, फेशियल, रेगुलर जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए दोस्तों। मैं आपसे मिलने आऊंगी ऐसे ही अच्छी सी होम रेमेडी के साथ। तब तक खुश रहना है और मुस्कुराते रहना है दोस्तों। बाय बाय।